एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के हटा उप जेल में पदस्थ जेलर नागेंद्र चौधरी ने जेल में निरुद्ध माँ पिता के साथ पल रही मासूम का स्कूल में दाखिला कराकर मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल हत्या के एक मामले में उपजेल हटा में निरुद्ध प्रहलाद लोधी और उनकी पत्नी आरती लोधी 9 सितंबर 2020 को से उपजेल में हैं, जिस कारण से माँ बाप के साथ मासूम राधिका लोधी भी उपजेल में पल रही है। 10 जुलाई को निरीक्षण के दौरान जब जेलर नागेंद्र चौधरी ने बच्ची से मुलाकात कर चर्चा की तो बच्ची राधिका ने स्कूल में पढ़ने की इच्छा जताई। इसके बाद जेलर नागेंद्र चौधरी ने हटा के निजी स्कूल में बच्ची का दाखिला कराया। जेलर के द्वारा की गई इस पहल की सराहना की जा रही है। साथ ही माँ बाप के साथ जेल में रह रही बच्ची को अच्छी शिक्षा मिले तथा उसका मौलिक अधिकार भी कायम रहे, यह पहल अनोखी भी है और सराहनीय भी कही जा रही है। एशियन न्यूज़ के लिए आकिब खान की रिपोर्ट। तो जैसे जेल में नियमानुसार परेड का नियम है, कल परेड निरीक्षण के दौरान मैं महिला वार्ड में अपनी सब्जी हटा के महिला वार्ड में गया तो वहाँ पर 9/9/2020 से निरुद्ध आरती पति प्रहलाद लोधी जिसकी बच्ची राधिका पिछले 2020 से निरुद्ध है हमारे यहाँ 9/9/2020 से, तो उससे एकदम से मेरे मन में उसको देख करके दया भाव वात्सल्य जागा और मैंने उस गुड़िया से कहा कि बेटा स्कूल जाना है। तो उसने बड़े अजीब सा मन बनाते हुए गर्दन मटकाई तो मेरे मन को बड़ा द्रवित हो गया, मैं इससे भाव विभोर हो गया। उसके बाद मैंने तत्काल कल आवेदन लिया उनके उसके पिताजी बच्ची के पिता पहला पिता बंदेल सिंह लोधी जो धारा 302 498 ए 304 में निरुद्ध हैं ये लोग, तो आवेदन लिया और मेरे सर्किल जेल अधीक्षक श्री दिनेश नरगावे सर से दूरभाष से चर्चा की और मैं न्यायालय गया। माननीय न्यायालय अपर सत्यन्यायाधीश महोदय से अनुमति प्राप्त हुई, तत्पश्चात हम लोगों ने TPS हटा मैं चूँकि कल चर्चा की थी और आज वहाँ एडमिशन कराने गए तो DPS हटा संचालक महोदय ने भी बड़ी दिलेरी दिखाते हुए उस बच्ची की समस्त फीस माफ़ कर दी है। रोज़ हम लोग जो है जेल प्रशासन के माध्यम से बच्ची को लेने जाएंगे, छोड़ने जाएंगे, लेकर आएंगे, उसका टिफिन जेल के पाकशाला बनेगा और हम चाहते हैं कि वह पढ़े और देश में नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत।